इसको मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर के ये मुकेश हैं जो शिक्षक हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन इन्होंने इतिहास रच दिया है और इस उम्र में भी इन्होंने परचम लहराते हुए अब जज बन गए हैं। अब इन्हें हम जज साहब कहेंगे। ये शिक्षक से अब मास्टर साहब से अब जज साहब हो गए। क्या कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं लाइव सिटी को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम करने से युवाओं में और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में एक नया जोश आता है। क्या कहें, कैसे इसमें इस फील्ड में आए शिक्षक थे? इसके पीछे भी एक कहानी थी। शिक्षक बनने के पहले, चूँकि मेरे एक मित्र है बगल के राकेश जी जो ADJ है अभी, तो उनका 2008 में सिलेक्शन हुआ और हमारे सीनियर क्लास साथी थे, तो उनका मेरे यहाँ आना जाना था। तो मेरी माँ मतलब पूछी कि कौन है, तो चूँकि जज समझ नहीं पा रहे थे, तो गाँव में आज भी लोग हाकिम समझते हैं, पुराने लोग हाकिम कहने से जज साहब समझ आते हैं। तो माँ को कहें, तो माँ कहे कि हम भी तुमको इस पोस्ट पर देखना चाहते हैं हाकिम बनते हुए। वो चूँकि मेरे जहन में आज भी है, और चूँकि मेरे माँ का देहांत 2010 में हो गया, उसके बाद से हम लगातार इस फील्ड में मतलब एजुकेशन लेते रहे और रेगुलर पढ़ाई करते रहे। आज भी मेरा एक पढ़ाई का माध्यम है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ मैं एक घंटा मतलब होली दिवाली छठ से मतलब नहीं है, पर डे हम मैं पढ़ता हूँ 1-2 घंटा। मतलब स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, उसके अलावा रात में तैयारी करते हैं। और मेरा कन्वेंट स्कूल है, इसमें भी मैं टाइम देता हूँ, सरकारी स्कूल में भी टाइम देता हूँ। और मतलब उसके अलावा पर्व त्यौहार में छुट्टी में मैं ज़्यादा पढ़ाई में व्यस्त रहता हूँ। इस चीज़ का मुझे फ़ायदा मिला उसमें लॉकडाउन के समय भी। मेरा उम्र कितनी हो गई? 40 साल। इस उम्र में जी अभी भी पढ़ाई मेरा जारी है। 2-3 दिन हाँ पढ़ाई मतलब बिना पढ़े हम मोबाइल से मैं दूर रहता हूँ। अभी भी मोबाइल से दूर रहते हैं? दूर रहता हूँ, केवल इंटरव्यू गाइडलाइन के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए नहीं। तो उसी का परिणाम मिला कि मुझे आपने लास्ट बॉल पर छक्का लगा दिया। जी 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 बहुत, क्योंकि इस बार मुझे था कि इस पर विश्वास, मेरे भैया भाभी पिताजी कुछ दोस्तों का भी हौसला कि हमने डिगने नहीं दिया। और मेरा कटअप भी था, PT में जनरल पार था, मेंस वे में जनरल पार है, EBC में भी था, फिर भी मेरा जनरल पार कटअप है, इसलिए हमको संतुष्ट था। इंटरव्यू में मेरा लगभग 20-25 मिनट चला, और देहात ग्रामीण क्षेत्र से, क्योंकि जितना इंग्लिश मीडियम वाले लोग का इंटरव्यू चल रहा था, तो लोग का दिमाग में रहता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सिलेक्शन लेते हैं UPSC चाहे बड़े अधिकारी के सामने, लेकिन इस चीज़ को मैंने झुठला दिया। मेरा इंटरव्यू बोर्ड में जस्टिस अमानुल्ला साहब थे जो हिंदी जानते ही नहीं थे, तो मैंने अभिवादन ही किया उनको अंदर जाते समय हिंदी में प्रणाम सर, झुक करके जो ग्राम में जो मेरा एक संस्कार है, ठीक है। और तो राहुल IAS वाले सर थे, कहा कि नहीं हिंदी नहीं चलेगा वहाँ, कि मैं सर हिंदी में ही अपना इंटरव्यू करवाऊँगा। तो जज साहब इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे कि क्या करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन था मैथ का मेरा, तो जनरली जुडिशियरी में मैथ का क्वेश्चन पूछा नहीं आता है, लेकिन उन्होंने मुझसे जोर पूछा, तो इंग्लिश में पूछा तो समझने में थोड़ा हड़बड़ी में जोर मैं गलत बता दिया। तो चूँकि मेरा पूछे कि कौन विषय में इंटरेस्ट, हम कहे थे मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो बोले कि ठीक है, तो मैथ में पूछे गए आ गए। तो एक और जज साहब थे उस बेंच में, अश्विनी कुमार, बहुत तेज था, उन्होंने कहा अरे यार मास्टर तो है ये है, बहुत अच्छा मार्केबल बात की, जज बनाना है लॉ से पूछो। तो उन्होंने मतलब लॉ का व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल। परिवार का कितना सहयोग मिला? परिवार का ही, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए सबसे बड़ा सहयोग परिवार का ही होता है। सबसे पहले माता पिता, वहाँ हमसे रोल मॉडल के बारे में ही पूछा गया, तो मैंने रोल मॉडल का जवाब दिया, माता पिता भाई बहन। तो व्यास साहब का सवाल था कि माता पिता हैं क्यों, तो मैंने कहा कि मेरे माता पिता ही आपके बारे में मुझे जानकारी दिए जज क्या होता है। उसके बाद रोल मॉडल मेरा दूसरा था जस्टिस PN भगवती, उस पर सवाल आया कि क्यों, तो मैंने कहा कि जस्टिस PN भगवती का देना कि आम आदमी आज PIL दाखिल करके न्याय पाने में सक्षम है, तो मतलब जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र की तरफ रुख करना होगा। उस बड़ा सवाल है, हर कोई कहता है कि नौकरी हो जाए, कोई भी नौकरी मिल जाए, ये अगर टीचर बन गए तो आगे की तैयारी नहीं करेंगे, टीचर तो सेट तो हो ही गए, आगे की तैयारी क्या करें? आपके दिमाग में ये नहीं आया कि अब टीचर तो हो ही गया, आगे की क्या तैयारी? मेरे दिमाग में था कि मैं समाज के लोगों को मतलब इतना सबल हो जाऊँ, चूँकि आज जो नियोजित शब्द है टीचर का, एक मतलब नीतीश बाबू का शिक्षक समाज में धब्बा है, चूँकि नियोजन पर भी सब मतलब जो भी मतलब फॉर्म भरा जाता है, तो नियोजन
को सरकारी कर्मचारी है नहीं, वो 11 महीने के लिए होता है। लोग सोचते हैं लेकिन वो गलत सोचते हैं। हमारा मानना है कि किसी भी क्षेत्र में रहिए, लक्ष्य की ओर अपना ऊंचा लक्ष्य रखिए और ऐसा लक्ष्य बनाइए जिससे समाज को बेनिफिट ज़्यादा हो। तो खैर टीचिंग प्रोफेशन अच्छा है, मैंने सोच लिया था या तो जज बनना है और नहीं तो टीचर रहना है। तो उनका एक समानता पर भी क्वेश्चन आया, बहुत मैंने एक शब्द में उनका जवाब दिया था। वो पूछे हम कहा कि सर टीचिंग पेशा में है, तो टीचिंग में और न्यायपालिका है दोनों बहुत सारा अंतर है। मैंने कहा कि सर नहीं अंतर नहीं समानता है। तो कैसे, हम कहा कि एक शिक्षक समाज के नव निर्माण करता है, बच्चों का भविष्य का निर्माण करता है और एक जज चरित्र निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वेल डन भाई, ये सब चुकी। और भी परिवार के लोग हैं, बड़े भाई हैं आप, कितनी खुशी हो रही है आज? जोर से ज़्यादा खुशी हो रही है, अप्रत्याशित खुशी हो रही है, काफ़ी खुशी है जी। क्या देखते थे, मतलब स्कूल में भी जाते थे फिर पढ़ाई भी करते थे? शुरू से मैंने इसको भाई को, छोटे भाई को बूस्टअप किया, कहा कि नहीं अपने मुकाम पर पहुँचना है। चूँकि मैं भी अभी सरकारी प्लस टू स्कूल में सिरसिया गोपीनाथपुर हाई स्कूल में शिक्षा प्रभारी प्रचार्य हूँ, तो मैंने इसको हमेशा उत्साहित करता रहा कि आपको हम जज की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। पापा भी हैं इनके, क्या कितनी खुशी हो रही है जी? बेहद खुशी, जो शब्दों में बजा नहीं कर जी। पहले लोग शिक्षक साहब कहते थे, अब जज साहब कहेंगे जी। जी कैसे देखते थे, कितनी देर से तैयारी करते थे? आदर की दृष्टि से देखे, समाज की ओर देखे, यहाँ के आम पब्लिकों की ओर, जिन लोगों से हमको सहयोग मिला उन लोगों को भी मैं बधाई देता हूँ। खुशी, बेहद खुशी जी। पूरा जी, दूर दूर से लोग आ रहे हैं जी, बहुत दूर दूर से। क्या कहेंगे आप लोग आ रहे हैं दूर दूर से? बहुत खुश हैं, इन्होंने समाज का मान सम्मान बढ़ाया है और युवाओं में हौसला बढ़ाने का काम इन्होंने किया है। आने वाले जो नकारात्मक लोग हैं उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम इन्होंने इस उम्र में भी तैयारी करके और ख़ास करके शिक्षा के पेशा से जुड़ करके समाज की उन्नति और कल्याण के लिए जो काम किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। कितनी खुशी हो रही है? खुशी क्या, तो उसको ये इजहार ही नहीं कर सकते हैं इतनी खुशी हमको, इसलिए कि सर हमारे पंचायत में टीचर थे और हमारी पत्नी वहाँ की मुखिया है, और सर का जो ड्यूटी देखे, सर ने बच्चा का जो एक नसीहत दिया, ये यादगार रह जाएगा हम लोग। कितनी खुशी हो रही है? सबसे पहले तो आप लाइव सिटीज बिहार चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप वहाँ से चल करके हमारे इस पारिवारिक संबंध है हमारा, यहाँ खुशी का तो खैर ठिकाना नहीं है, जब पारिवारिक संबंध है तो खुशी के बारे में क्या कहें। ये तो मैंने अंदर की खुशी है कि हम लोग आए हैं, आज संजोग से आप लोग भी आ गए कि इस खुशी को का बयां करने का मौका आपको मैंने मिला है। आप देख सकते हैं दूर दूर से लोग आ रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं, और देख सकते हैं उम्र किसी की नहीं होती, उम्र का कोई मतलब नहीं होता है, उम्र के साथ साथ अगर आप मेहनत और आपके अंदर जुनून होता है तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं।